जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने जा रहे हैं। यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हिंदी माध्यम का है, क्लास 11th कक्षा 11 गणित के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और हाँ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि a इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और जहाँ तक चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on। बी में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, तो देखते हैं कि सम प्राकृतिक संख्या तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 होती है, 2 के बाद हो जाएगा 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन हो जाएगा। और सी में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या में 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होगा, 13 होगा एंड सो ऑन। और इसके बाद डी में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या, और आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, इसी तरह से ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब देखें तो कह रहा है प्रश्न में, अभी तो हम प्रश्न ही पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट में कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है उसको लिखना है। ध्यान दीजिए ए ये है, बी ये है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, देखिए दोनों में कॉमन 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी तरह से 10 होगा। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वह यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या होगी, एक सम प्राकृतिक संख्या। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, इसकी वैल्यू बी के बराबर है। तो फर्स्ट का आंसर ये रहा। इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है, तो फिर इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी है, डी नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी का इंटरसेक्शन। जरा देखिए ए में ये है और सी में देखिए तो क्या कॉमन मिल रहा है, ये देखा जाए तो देखिए 1 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन होगा, फिर 9 कॉमन होगा, 11 कॉमन होगा। तो ए और सी का जो इंटरसेक्शन होगा, जितनी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं सब आ रही हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या।
एक विषम प्राकृत संख्या, और यहां से हम देखें तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, देखिए विषम प्राकृतिक संख्या सी में है तो ये सी हो जाएगा। ए और सी का इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो यह सी के इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड में हमको ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो देखिए ए ये है और डी ये है, देखा जाए कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए 2 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 5 भी दोनों में कॉमन है, 7 भी है, इसी तरह से 11 भी होगा, 13 भी होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या लिखा जा सकता है। यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू डी के इक्वल होगी, और फिर इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी है, फिर बी इंटरसेक्शन डी है, और फिर सी इंटरसेक्शन डी है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से सेवेंथ के जो और शेष क्वेश्चन है उनको आप लोग कर लेंगे। अच्छा चलिए हम फोर्थ पार्ट बता दे रहे हैं, और फोर्थ पार्ट में है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन। देखिए बी ये है और सी ये है, दोनों में देखिए क्या इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 5 माने रिक्त समुच्चय, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट देखें तो फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी पूछा जा रहा है, बी और डी में क्या कॉमन है, देखिए बी ये है और डी ये है, जरा देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, फिर 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि बी और डी दोनों में कुल मिलाकर के केवल 2 ही कॉमन मिलेगा, इसके अतिरिक्त कुछ और कॉमन नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इसका सिक्स पार्ट देखें तो सिक्स पार्ट में दिया है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन। चलिए सी और डी का इंटरसेक्शन आप देखें, सी में दिया हुआ है, देखिए सी में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डी में दिया है 2, 3, 5, 7, तो 2, 3, 5, 7 तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, अब इसी तरह से एंड सो ऑन कर देंगे तो सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ देखिए एक छोटा सा फॉल्ट हो गया है, सी और डी में कॉमन देखना था, तो सी और डी में 2 कॉमन नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, देखें कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। तो अगर 2 समुच्चयों का एक भी एलिमेंट मिलेगा तो ये समुच्चय युग्म संयुक्त होंगे, और अगर पहले समुच्चय का कोई भी अवयव दूसरे समुच्चय के किसी भी अवयव से मेल न खाए तो असंयुक्त हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो पहले वाले में यहाँ 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, और दूसरे वाले में दिया हुआ है यक्स एक प्राकृतिक संख्या, और 4 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6, इसका मतलब यक्स का मान 4, 5 और 6 है, ये हो गया 4, 5 और 6। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, इसका मतलब ये हुआ
कि यह समुच्चय युग्म संयुक्त है यानी असंयुक्त नहीं है। इसके बाद सेकंड वाले पे आवे तो सेकंड वाला दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट वाला है यह असंयुक्त नहीं है यानी संयुक्त है। अब इसके बाद सेकंड वाले पे देखें ए ई आई ओ यू और इसमें दिया है सी डी ई एफ, तो इसमें एक एलिमेंट ई ऐसा है जो दोनों में है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं होता तो असंयुक्त होता, एलिमेंट है इसका मतलब कि संयुक्त है, तो संयुक्त है तो यह असंयुक्त नहीं है, नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, यक्ष सच दैट यक्ष एक सम पूर्णांक, देखिए यहाँ पर सम पूर्णांक ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। और यहाँ देखिए क्या दिया है, यक्ष सच दैट यक्ष एक विषम पूर्णांक, यहाँ पर जितने विषम पूर्णांक होंगे सब होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब जरा देखिए आप कि दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो पहले समुच्चय के किसी भी एलिमेंट का दूसरे समुच्चय के किसी भी एलिमेंट से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह असंयुक्त है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है यदि a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और फिर b इज इक्वल टू दिया है 4, 8, 12, 16, 20, c इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और d इज इक्वल टू दिया है 5, 10, 15, 20। तो a माइनस बी आपको फाइंड करना है, तो a माइनस बी निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि b के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको a में से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद a में जो बचता है उसी को लिखते हैं। तो चलिए b में देखिए 4 है तो a में कहीं 4 नहीं है, b में 8 है a में भी कोई कहीं 8 नहीं है, B में 12 है तो 12 को हटा देंगे, फिर 16 इसमें कहीं नहीं है, 20 इसमें कहीं नहीं है, तो केवल एक एलिमेंट B में केवल एक एलिमेंट 12 है जो A में है, तो A में से हम 12 को अगर हटा दें तो देखिए अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे लिख भी सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और माइनस हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20। अब यहाँ पर 12 एक ऐसा एलिमेंट है यानी B में 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में है, तो A में से उसको हटा देंगे और हटाने के बाद A में जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। तो फिर देखिए क्या मिलता है 3, 6, 9, 15, 18 और 21। तो इस प्रकार a माइनस b निकला। अब सेकेंड में आपसे कह रहा है a माइनस c निकालिए, a में से c को माइनस करना। आप देखिए c यहाँ पर है a यहाँ पर है, तो देखते हैं कि c का कौन सा एलिमेंट a में है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है, 6 हटा दीजिए, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 12 हटा दीजिए, 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो देखिए 6 और 12 को हटा करके शेष जो बचेगा उसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, 9, 15, 18, 21, ये a माइनस c की वैल्यू निकली। इसी तरह से अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो देखें थर्ड पार्ट में आपको a माइनस d निकालना है, a में से d को माइनस करना है। देखिए तो a में से d को माइनस करना है, तो d के वे एलिमेंट जो a में है हटा देंगे,
देखिए 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, 15 को हटा दीजिए और कुछ भी नहीं है। तो अब जो है 15 को हटाने के बाद a में जो बचेगा वही a माइनस डी होगा। तो ये हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया। तो ये थर्ड पार्ट a माइनस डी सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं और फोर्थ पार्ट में b माइनस a निकालना है। तो b माइनस a निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, a के जितने भी एलिमेंट हैं उसको b में से निकाल लेंगे और निकालने के बाद b में जो बचेगा उसको लिख लेंगे। अब देखिए तो a का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो b में है, तो देखिए 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, 12 को हटा लेंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो b में से 12 को हटाने के बाद जितने एलिमेंट बचेंगे उनको हम लिख लेंगे। तो b माइनस a हो जाएगा, ये हो गया 4, 8, 16, 20। तो इसी तरह से इसमें कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन को आप लोग कर डालिएगा, ये बहुत आसान है, इनको करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जब अगला वीडियो बनेगा तो अगले वीडियो में ये एक्सरसाइज 1.4 जो है आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पूरक समुच्चय यानी कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या कम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताया, हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी करिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।